लो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन टू प्रूफ सम ट्रिग्नोमेट्री का। आप बोलोगे इससे पहले भी हमने काफी सम डिस्कस किए, देखे ना आपने? हाँ, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब इसे सॉल्व करना है, मतलब हमें डिसाइड करना है कौन सा साइड सेलेक्ट करना है, और हमें पता है हम हमेशा तीन आइडेंटिटीज और पांच रिलेशंस का यूज करते हैं, तो वो लिख लेते हैं पहले। ओके, साइड सेलेक्शन तो आपको पता है ना क्या है, हमें सेकेंडरी रेशियो जिसमें आता है वो सेलेक्ट करना होगा, दैट मींस टैन कॉट सेक कोसेक। वो तो हम कर ही सकते हैं, आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए सेक और कोसेक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो भी यहाँ पे समझना बहुत इजी था, बिकॉज यहाँ पे उसी को करना पड़ेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो सिर्फ साइन थीटा है, तो सिर्फ साइन थीटा से तो आप ये नहीं ला सकते, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, आप बोलोगे फर्स्ट फ्रैक्शन में देखिए सेक और कोसेक हैं, उसे हम पहले प्राइमरी रेशियोज में लिख लेंगे, पहले वो कर लेते हैं। तो बट अभी वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आएगा, इसका मतलब मैंने हमेशा कहा है आपको उसे लिखना होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, न्यूमरेटर को अलग से लिखिए, डिनोमिनेटर को अलग से लिखिए। तो चलिए न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो लिख लिया। अपॉन का मतलब क्या है, डिविजन साइन, लिखे डिविजन साइन। अब पूरा डिनोमिनेटर जो है उसे अलग ब्रैकेट में ले लीजिए और वहां पे लिखते हैं कॉस थीटा है इनटू राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर, देखिए सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, हमने रिलेशन यूज किया, लिख लिया। माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। सुपर इजी है। ओके, तो चलिए आगे लिखते हैं। इनटू अब क्या है, इनटू है देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ याद आ रहा है? हाँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसे हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, सुपर। अपॉन डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या दिया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा दिया है ना, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, मतलब ये कौन से फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में होगा, मतलब हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी, मतलब क्या लिखेंगे, हमारा ए क्या है साइन थीटा, हमारा बी क्या है कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए इनटू बी, मतलब माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, सो हमने एक्सपेंशन कर लिया, ये इजी था, कि तो कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट था ही नहीं, बहुत 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 सिंपल है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल। वेरी गुड, चलिए इतना कर लिया, अभी आगे लिखते हैं। तो अभी क्या बचा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिया, डिविजन है तो हमने लिखा डिविजन साइन। चलिए अभी उस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है वहां पे कॉस थीटा है तो लिखा कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट के अंदर, देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो लिख लीजिए। वेरी गुड, और अब क्या होगा, 1 इंटू साइन थीटा होगा साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा होगा कॉस थीटा, लिख लीजिए, लिख लिया। इंटू और क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लिख लिया न्यूमरेटर में। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे देखिए देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब उसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो लिख लेते हैं 1। और क्या बचा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो बचा है लिख लीजिए, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया है तो रीजन में लिखिए हमने जो आइडेंटिटी यूज किया। वेरी गुड, क्या कर सकते हैं अब, आप बोलोगे ओके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यस यस देख ले, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले अब फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, बट उससे पहले देखिए ये इस ब्रैकेट में आप बोलोगे कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया। वेरी गुड, अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लिखिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो साइन थीटा न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, इनटू क्या है, जो
जो है वैसे के वैसे लिख लीजिए, वेरी गुड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख दिए। अब देखिए और बताइए अब क्या हो सकता है। सब देखिए अभी तीन टर्म्स है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, चेक कीजिए। अब बोलोगे हाँ वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल हो गया, वेरी गुड। और कुछ? अब बोलोगे हाँ न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कैंसिल, तो क्या बचा? साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। वो क्या है? वो है आरएचएस। हमें इक्वल टू आरएचएस मिल गया है, मतलब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। बट इसके बाद और एक चीज, ये यहाँ पे मत छोड़ देना, इसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेना, एंड दैट इज द कंप्लीशन ऑफ आवर सम। हमने ये सबको कंप्लीट कर दिया। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था? बोलोगे काफी इजी था। अब कॉन्फिडेंस आया ना, मतलब एकदम सिंपल है, जो मैंने बेसिक्स बताए वो बेसिक, वो स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, आपको खुद को आते रहेगा, खुद लिखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको इजी लग रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी इजी लगना चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो पसंद आया ही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। Till then, keep learning, keep smiling, and keep sharing.